कहते हैं कि प्यार दूरी, देश, सरहद या धर्म नहीं देखता, प्यार तो बस प्यार है। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के जालौन की अंजू के साथ। सीमा हैदर के जैसी कहानी, वही सेम टू सेम। सीमा अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई, तो अंजू अपने प्यार के लिए भारत से पाकिस्तान पहुंच गई। ट्विस्ट बस इतना सा कि अंजू ने तमाम कानूनी तरीके अपनाए जो पाकिस्तान जाने के लिए जरूरी थे। यानी कुल मिलाकर अंजू लीगल तरीके से अपने प्रेमी नसरुल्लाह के पास पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा गई हैं। अंजू सीमा हैदर की तरह शादीशुदा हैं और अंजू के दो बच्चे भी हैं। अब तक अंजू अपने पति अरविंद के साथ राजस्थान के अलवर में रह रही थी। मिलने चाहिए अगर इगल कलर से गई है, मानो बिना पासपोर्ट वीजा के से गई है, किसी टूर से गई है, तो वो उसके लिए कार्रवाई कर सके। अगर वीजा लेके गई है तो आप सरकार को कहूंगा सपोर्ट करनी चाहिए, प्रधानमंत्री से जल्द से लाना चाहिए उधर से सरकार से बात करने के लिए। पाकिस्तान सरकार से बात करें, हाँ। उन्हें कल 1 बजे के आसपास बात हुई थी मेरी, थी यहाँ फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है मेरी, और मैंने बोला शादी कर दी, कह रही ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगी 2-3 दिन में, मैं कल बात करूंगी। जहाँ एक और अंजू ने अपने वीजा में पाकिस्तान जाने का कारण अपने लवर से शादी करना बताया है, वहीं उसी के प्रेमी नसरुल्लाह ने लव अफेयर की बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि अंजू वीजा खत्म होने पर भारत लौट जाएंगी। वो वहां परिवार की महिलाओं के साथ रह रही हैं। नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू से शादी करने जैसा कोई विचार नहीं है। दोनों की मुलाकात 2019 में फेसबुक के जरिए हुई और 4 साल तक दोनों संपर्क में थे। अंजू ने एक वीडियो भी जारी किया है और कहा है कि उसकी सीमा हैदर से तुलना ना करें। सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पर आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। अंजू का कहना है कि वो पाकिस्तान घूमने गई है और भारत आकर पति से अलग बच्चों के साथ रहना चाहती है। अंजू ने कहा, मैं वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची, पहले भिवाड़ी से दिल्ली गई, फिर अमृतसर पहुंची, उसके बाद वाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान पहुंची। वहां अंजू के पति की माने तो उन्हें अंजू के पाकिस्तान जाने की कोई जानकारी नहीं थी। अंजू ने खुद ही फोन कर बताया कि वो लाहौर पहुंच गई है। भिवाड़ी पुलिस भी अंजू के पति के घर पहुंची और मामले को लेकर जांच की जा रही है।